सभी साथियों को मेरा नमस्कार। कृषि दुनियादारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कद्दू वर्गीय फसलों के बारे में, यानी जो कुकुरबिटेसी फैमिली की फसलें हैं उनके बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी फसलें हैं जो कुकुरबिटेसी फैमिली में आती हैं, इनकी क्या विशेषताएँ हैं, इनको कब लगाया जाता है और इनके जो प्रमुख रोग हैं और इनमें लगने वाले जो कीट हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है जो लोग किचन गार्डन में सब्जी उगा रहे हैं। आजकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम चल रहे हैं जिनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही लाभदायक है। तो जो साथी हमारे चैनल पे नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँचते रहे। कुकुरबिटेसी फैमिली के पौधों को बेल वर्गीय सब्जी या कद्दू वर्गीय सब्जी कहा जाता है। इसके जो खाने का फल होता है उसके प्रकार को हम लोग पेपो कहते हैं और ये मुख्यतः द्विलिंगाश्रयी या उभयलिंगाश्रयी यानी मोनोसियस टाइप के जो है पौधे होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक ही बेल पर नर और मादा पुष्प उपस्थित रहते हैं। वहीं कुकुरबिटेसी फैमिली के पौधों में नर एवं मादा का अनुपात 1:15 से 1:25 तक होता है और ये सभी जो सब्जियां होती हैं वो एक वर्ष की होती हैं परवल को छोड़कर। इनको उगाने के लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है, यानी इनके लिए तापमान 25 से 30 डिग्री के आसपास होना चाहिए। कुकुरबिटेसी फैमिली की सब्जियों को नदियों के किनारे ज़्यादा उगाया जाता है, यानी जो रेतीली मिट्टी होती है वो इनके लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है, जो तापमान में जल्दी गर्म होती है और ठंडे तापमान में तुरंत ठंडी भी हो जाती है। कद्दू वर्गीय फसलों में जो कड़वाहटपन होता है वो कुकुरबिटेसिन के कारण होता है। कद्दू वर्गीय फसलों में आने वाली प्रमुख सब्जियां कौन कौन सी हैं, जैसे तरबूज, वाटरमेलन, खरबूज, मस्कमेलन, खीरा, कुकुम्बर, लौकी जिसको बाटल गार्ड कहते हैं, और इसी में तुरई आती है और करेला भी आता है। तो ये हैं कद्दू वर्गीय फसलों की मुख्य फसलें। अब बात करते हैं इसमें लगने वाले जो कीट हैं वो प्रमुख कीट कौन कौन से हैं, उनकी रोकथाम हम कैसे करते हैं। इसमें पहला कीट है फल मक्खी, जो कद्दू वर्गीय फसलों की मुख्य कीट है। इसका बॉटेनिकल नेम होता है बैक्टोसेरा कुकुरबिटी। ये फल मक्खी सब्जी के अंदर घुसकर उसके गूदे को खाती हैं और गूदे को सड़ा देती हैं, जिससे जो है फल अंदर ही अंदर खराब हो जाता है। इसके कंट्रोल के लिए 5 ml मेलाथियान को 500 ग्राम गुड़ में घोल 50 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव कर दिया जाता है, जिससे फल मक्खी का जो है आसानी से कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा एसफेट 2 ग्राम पर लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर देने से फल मक्खी का जो है वो नियंत्रण हो जाता है। वहीं दूसरा कीट है लाल भृग बिटिल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेड पंपकिन बिटिल। इसका बॉटेनिकल नेम होता है रेडिफोपल्पा फाइकोलिस। यह कीट पौधों को जमीन की सतह के पास उसकी जड़ों को काट देता है, जिससे जड़ें नष्ट हो जाती हैं। इसका सबसे ज़्यादा प्रकोप मार्च अप्रैल में होता है। इसके कंट्रोल के लिए कार्बाफ्यूरान 3 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव कर देना चाहिए। वहीं तीसरा कीट है कुकुरबिट माइट, जिसका बॉटेनिकल नेम होता है ट्रिटानाइकस कुकुरबिटी। इसको रेड स्पाइडर माइट भी कहते हैं। या पत्तियों की निचली सतह पर जाल बनाकर उसका जो है रस चूसता रहता है, इसलिए ये फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसके कंट्रोल के लिए डाइकोफाल या इथियोन 50 cc 1.5 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे जो है इसका कंट्रोल हो जाता है। अब बात करते हैं कद्दू वर्गीय फसलों के प्रमुख रोग। इसमें पहला है डाउनी मिल्डू, जिसको हिंदी में कहते हैं तुलिस्ता रोग। इसका बॉटेनिकल नेम होता है स्यूडो स्पोनोपेरस कुबेंसिस। यह तरबूज, खरबूज और खीरे का प्रमुख रोग है। इसके कंट्रोल के लिए बेवस्टीन 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से बीजोपचार करना चाहिए, जिससे इसका कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा कैराथीन 0.1% का छिड़काव भी करना चाहिए। अब इसमें दूसरा रोग आता है पाउडरी मिल्डू, जिसको छाछया रोग या चूंडी आसिता रोग कहते हैं। इसका बॉटेनिकल नेम होता है इरीसाइफी सिकोरेसीरम। यह रोग इरीसाइफी जात के जो कवक होते हैं उनके द्वारा होता है। इसमें पत्तियों की सतह पर जो है चूर्ण नुमा पदार्थ जो है जम जाता है, जिससे पौधा कमजोर हो जाता है और सड़ने लगता है। इसके कंट्रोल के लिए
केराथेन 0.1% 1 ग्राम पर लीटर में मिलाकर इसका छिड़काव कर देना चाहिए। अगला रोग है कलिका क्षय यानी बर्ड निक्रोसिस। यह मुख्य रूप से तरबूज का जो है रोग है, यह वायरस के द्वारा होता है।